नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूँ हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक नटखट प्रेम कहानी बुद्धू का कांटा। रघुनाथ प प प्रसाद त त त्रिवेदी या रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी या क्या करें, दुविधा में जान है। एक ओर तो हिंदी का यह गौरवपूर्ण दावा है कि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। दूसरी ओर हिंदी के कर्णधारों का अविगत शिष्टाचार है कि जैसे धर्मोपदेशक कहते हैं कि हमारे कहने पर चलो, वैसे जैसे हिंदी के आचार्य लिखे वैसे लिखो, जैसे वे बोले वैसे मत लिखो। शिष्टाचार भी कैसा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने व्याकरण कषायती कण से कहें, परशोत्तम दास और हरकिंस लाल और उनके पिट्ठू छापे ऐसी कि पढ़ा जाए पुरुषोत्तम दास अ दास अ और हरि कृष्ण लाल अ। अजी जाने भी दो, बड़े बड़े बह गए और गधा का ही कितना पानी। कहानी कहने चले हो या दिल के फफोले फोड़ने? अच्छा जो हुक्म, हम लाला जी के नौकर हैं, बैगन के थोड़े ही हैं। रघुनाथ प्रसाद त्रिवेदी अब के इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठा है। उसके पिता दारसूरी के पहाड़ के रहने वाले और आगरे के भुजतिया बैंक के मैनेजर हैं। बैंक के दफ्तर के पीछे चौक में उनका तथा उनकी स्त्री का बारामसिया मकान है। बाबू बड़े सीधे, अपने सिद्धांतों के पक्के और खरे आदमी हैं, जैसे पुराने ढंग के होते हैं। बैंक के स्वामी इन पर इतना भरोसा करते हैं कि कभी छुट्टी नहीं देते और बाबू काम के इतने पक्के कि छुट्टी मांगते नहीं। न बाबू वैसे कट्टर सनातनी हैं कि बिना मुंह धोए ही तिलक लगाकर स्टेशन पर दरभंगा महाराज के स्वागत को जाएं, और न ऐसे समाजी ही हैं कि खंजड़ी लेकर तोड़ पोपगढ़ लंका का करने दौड़े। उसूलों के पक्के हैं, हाँ उसूलों के पक्के हैं। सुबह का एक प्याला चाय पीते हैं तो ऐसा कि जेठ में भी नहीं छोड़ते और माघ में भी एक के दो नहीं करते। उड़द की दाल खाते हैं, क्या मजाल कि बुखार में भी मूंग की दाल का एक दाना खा जाए। आजकल के एमए बीए पास वालों को हंसते हैं कि शेक्सपियर और बेकन चार्ट जाने पर भी वे दफ्तर के काम की अंग्रेजी चिट्ठी नहीं लिख सकते। अपने जमाने के साथियों को सराहते हैं जो शेक्सपियर के दो तीन नाटक न पढ़कर सारे नाटक पढ़ते थे, डिक्शनरी से अंग्रेजी शब्दों के लैटिन धातु याद करते थे, अपने गुरु बाबू प्रकाश बिहारी मुखर्जी की प्रशंसा रोज करते थे कि उन्होंने लाइब्रेरी इम्तहान पास किया था। ऐसा कोई दिन ही बीतता होगा कि जब उनके लाइब्रेरी इम्तहान का उपाख्यान नए बीए हेड क्लर्क को उसके मन और बुद्धि की उन्नति के लिए उपदेश की तरह नहीं सुनाया जाता हो। लाट साहब ने मुखर्जी बाबू को बंगाल लाइब्रेरी में जाकर खड़ा कर दिया। राजा हरिश्चंद के यज्ञ में बलि के खूंटे में बंधे हुए शुना शेप की तरह बाबू अलमारियों की ओर देखने लगे। लाट साहब मन चाहे जैसी अलमारियों से मन चाहे जैसी किताब निकालकर मन चाहे जहां से पूछने लगे। जब अलमारियां खुल गईं, सब किताबें चुक गईं, लाट साहब की बात दुख गई पर बाबू कहते कहते नहीं थके। लाट साहब ने अपने हाथ से बाबू को एक घड़ी दी और कहा कि मैं अंग्रेजी विद्या का छिलका ही भर जानता हूं, तुम उसकी गिरी खा चुके हो। यह कथा पुराण की तरह रोज कही जाती थी। इन उसूल धन बाबूजी का एक उसूल यह भी था कि लड़के का विवाह छोटी उम्र में नहीं करेंगे। इनकी जाति में 5-5 वर्ष की कन्याओं के पिता लड़के वालों के लिए वैसे मुंह बाए रहते हैं जैसे पुष्कर की झील में मगरमच्छ नहाने वालों के लिए, और वे कभी कभी दरवाजे पर धरना देकर आ बैठते थे कि हमारी लड़की लीजिए, नहीं तो हम आपके द्वार पर प्राण दे देंगे। उसूलों के पक्के बाबूजी इनके भय से देश ही नहीं जाते थे
और वे कन्या पिता रूपी मगरमच्छ अपनी पहाड़ी गोह को छोड़कर आगरे आकर बाबूजी की निंद्रा को भंग करते थे। रघुनाथ की माता को सास बनने का बड़ा चाव था। जहां वह कुछ कहना आरंभ करती कि बाबूजी बैंक की लेजर बुक खोलकर बैठ जाते या लकड़ी उठाकर घूमने चल देते। बहस करके स्त्रियों से आज तक कोई नहीं जीता, पर मस्ट मारकर जीत सकता है। बाबू के पड़ोस में एक विवाह हुआ था। उस घर की मालकिन लाहना बांटती हुई रघुनाथ की मां के पास आई। रघुनाथ की मां ने नई बहू को आशीष दी और स्वयं मिठाई रखने तथा बहू की गोद में भरने के लिए कुछ मेवा लाने भीतर गई। इधर मोहल्ले की वृद्धा ने कहा, 15 बरस हो गए लहना लेते लेते, आज तक एक बतासा भी इनके यहां से नहीं मिला। दूसरी वृद्धा, जो 3 बड़ी और 2 छोटी पतोहों की सेवा से इतनी सुखी थी कि रोज मृत्यु को बुलावा करती थी, बोली, बड़े भागों से बेटों को ब्याह होता है। तीसरी ने नाक की झुलनी हिलाकर कहा, अपना खाने पहनने का लोभ कोई छोड़े तब तो बेटे की बहू लावे, बहू के आते ही खाने पहनने में कमी जो हो जाती है। चौथी ने कहा, ऐसे कमाने खाने जो आग लगे, यूं तो कुत्ते भी अपना पेट भर लेते हैं, कमाई सफल करने का यही तो मौका होता है। इसके पति ने 4 बेटों के विवाह में मकान और जमीन गिरवी रख दिए थे और कम से कम अपने जीवन भर के लिए कंगाली का कम्बल ओढ़ लिया था। अवश्य ही ये सब बातें रघुनाथ की माँ को सुनाने के लिए कही गई थी। रघुनाथ की माँ भी जानती थी कि ये मुझे सुनाने को ही कही जा रही हैं, परंतु उसके आते ही मोहल्ले की एक और ही स्त्री की निंदा चल पड़ी और रघुनाथ की माँ यह जानकर भी कि उस स्त्री के पास जाते ही मेरी भी ऐसी ही निंदा की जाएगी, हंसते हंसते उसकी बातों में सम्मति देने लग गई। पतोहुओं से सुखनी बुढ़िया ने एक हल्के से अनुदात से कहा, अब तू रघुनाथ का ब्याह इस साल तो करोगी? उसके चाचा जाने गहने तो बनवा रहे हैं। रघुनाथ की माँ ने भी वैसे ही हल्के उदात से उत्तर दिया। उसके अनुदात को यह समझ गई और इसके उदात को वे सब। स्वर का विचार हिंदुस्तान के मर्दों की भाषा में भले ही न रहा हो, स्त्रियों की भाषा में उससे अब भी कई अर्थ प्रकाश किए जाते हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी रघुनाथ का ब्याह कर लो, कलयुग के दिन है, लड़का बोर्डिंग में रहता है बिगड़ जाएगा, आगे तुम्हारी मर्जी। क्यों बहन, सच है ना? तू क्यों नहीं बोलती? मैं क्या कहूं, मेरे रघुनाथ सा बेटा होता तो अब तक पोता खिलाती। जो और 2-4 बातें करके यह स्त्री दल चला गया और गृहिणी के हृदय समुद्र को कई विचारों की लहरों से दलकता हुआ छोड़ गया। सायंकाल भोजन करते समय बाबू बोले, इन गर्मियों में रघुनाथ का ब्याह कर देंगे। स्त्री ने पहले ही लेजर और घड़ी छिपाकर ठान ली थी कि आज बाबूजी को दबाऊंगी कि पड़ोसियों की बोलियां नहीं सही जाती। अचानक रंग पहले चढ़ गया, पूछने लगी, हैं? आज यह कैसे सूझी? दारसूरी से भैया की चिट्ठी आई है, बहुत कुछ बातें लिखी हैं। कहा है कि तुम तो परदेसी हो गए, यहां 4 महीने बाद बृहस्पति सिंहस्थ हो जाएगा, फिर 1.5-2 वर्ष तक ब्याह नहीं होंगे, इसलिए छोटी छोटी बच्चियों के ब्याह हो रहे हैं। बृहस्पति के सिंह के पेट में पहुंचने के पहले कोई 4-5 वर्ष की लड़की नहीं बचेगी। फिर जब बृहस्पति कहीं शेर की दाढ़ में से जीता जागता निकल आया तो न बराबर का घर मिलेगा न जोड़ की लड़की। तुम्हें क्या है, गांव में बदनाम तो हम हो रहे हैं। मैंने अभी 2-3 घर रोक रखे हैं। तुम जानो, अबके मेरा कहना न मानोगे तो मैं तुमसे जन्म भर बोलने का नहीं। भैया ठीक तो कहते हैं, मैं भी मानता हूं कि अब लड़के को 19वां वर्ष है, अबके इंटरमीडिएट पास हो जाएगा, अब हमारी नहीं चलेगी, देवर भौजाई जैसा नचाएंगे वैसा ही नाचना पड़ेगा, अब तक मेरी चली यही बहुत हुआ। भैया की कहो, मेरा कहना तो 5 वर्ष से मान रहे हो। अच्छा, अब जिदो मत,
मैंने 2 महीने की छुट्टी ली है, छुट्टी मिलते ही देश चलते हैं। बच्चा को लिख दिया है कि इम्तहान देकर सीधा घर चला आ, 10-15 दिन में आ जाएगा। तब तक हम घर भी ठीक करा ले और दिन भी। अब तुम आगरे बहू को लेकर आओगी? स्त्री ने सोचा, बताशे वाली बुढ़िया का उलाहना तो मिटेगा। बादशाह, मेरे हाल में आपका क्या जी लगेगा? गरीबों का क्या हाल? रब रोटी देता है, दिन भर मेहनत करता हूँ, रात पड़े रहता हूँ। बादशाह, तुम जैसे साई लोगों की बरकत से मैं हज कराया, ख्वाजा का उर्स देखाया, 3 बेले नमाज पढ़ लेता हूँ, और मुझे क्या चाहिए? बादशाह, मेरा काम टट्टू चलाना नहीं है। अब तो इस मोती की कमाई खाता हूँ, कभी सवार ले जाता हूँ, कभी लादा। 2.5 मोट कड़क पा लेता हूँ तो 2 पौली बच जाती है। रब की मर्जी, मेरा अपना घर था, सिंहों के वक्त की माफी जमीन थी, नाते पड़ोसियों में मेरा नाम था, मैं धामपुर के नवाब का खाना बनाता था और मेरे घर में से उसके जनाने में पकाती थी। एक रात को मैं खाना बना खिला के अपनी मंजड़ी पर सोया था कि मेरे मौला ने मुझे आवाज दी, लाही लाही हज करा। मैं आंखें मलकर खड़ा हो गया पर कुछ दिखा नहीं। फिर सोने लगा कि फिर वही आवाज आई कि लाही, तू मेरी पुकार नहीं सुनता, जा हज करा। मैं समझा मेरा मौला मुझे बुलाता है। फिर आवाज आई, लाही चल पड़, मैं तेरे नाल हूं, मैं तेरा बेड़ा पार करूंगा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपना कंबल उठाया और आधी रात को चल पड़ा। बादशाह, मैं रातों चला, दिनों चला, भीख मांग कर चलते चलते मुंबई पहुंचा। वहां मेरे पल्ले टका नहीं था पर एक हिंदू भाई ने मुझे टिकट ले दिया। काफले के साथ मैं जहाज पर चढ़ गया। वहीं मुझे 6 महीने लगे पूरी हज की। जब लौटा तो रास्ते में जहाज भटक गया, एक चट्टान पानी के नीचे थी, उससे टकरा गया। उसके पीछे की दोनों लांटीने ऊपर आ गईं और वे हमें शैतान की सी आंख दिखाई देने लगी। सबने समझा मर जाएंगे, पानी में गोर बनेगी। कप्तान ने छोटी किश्तियां खोली और उनमें हाजियों को बिठाकर छोड़ दिया। मर्द का बच्चा आप अपनी जगह से नहीं टला, जहाज के नाल डूब गया। अंधेरे में कुछ सोचता नहीं था। सवेरा होते ही हमने देखा कि 2 कश्तियां बह रही हैं और जहाज है न दूसरी कश्तियां। पता ही नहीं हम कहां जा रहे थे। लहरें हमारी कश्तियों को उछालती, नचाती, डुबाती, झकझोरती थी। जो लम्हा बीतता था हम खैर मनाते थे, पर मेरे मालिक ने करम किया, मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने जैसे उस रात को कहा था, मेरा बेड़ा पार किया। 3 दिन 3 रात हम बेपते रहे। 4थे दिन माल के जहाज ने हमको उठा लिया और 6ठे दिन कराची में हमने दुआ की नमाज पढ़ी। पीछे सुना कि 300 हाजी मर गए। वहां से मैं ख्वाजा की जियारत को चला, अजमेर शरीफ में दरगाह का दीदार पाया। इस तरह बादशाह 7.5 महीने पीछे मैं घर आया। आकर देखता हूँ कि सब पटरा हो गया है। नवाब जब सवेरे उठा तो उसने नाश्ता मांगा। नौकरों ने कहा कि इलाही का पता नहीं, बस वह जल गया। उसने मेरा घर फंकवा दिया, मेरी जमीन अपनी रखवाली के भाई को दे दी और मेरी बीबी को लौंडी बनाकर कैद कर लिया। मैं उसका क्या ले गया था, अपना कंबल ले गया था और पिछले 3 महीनों की तलब अपनी पेटी में उसके बावर्ची खाने में रख गया था। भला मेरा मौला बुलावे और मैं ना जाऊं? पर उसको जो 1 घंटा देर से खाना मिला, इससे बढ़कर और गुनाह क्या होता। इसके 15वें दिन जनाने में एक सोने की अंगूठी खो गई। नवाब ने मेरी घरवाली पर शक किया। उसने पूछा तो वह बोली कि मेरा कौन सा घर और घरवाला बैठा है कि उसके पास अंगूठी ले जाऊंगी, मैं तो यहीं रहती हूँ। सीधी बात थी पर उससे सुनी नहीं गई, जला भुना तो था ही, बेंत लेकर लगा मारने। बादशाह, मैं क्या कहूँ, मौला मेरा गुनाह बख्शे। और 5 बरस हो गए हैं पर जब मैं घरवाली की पीठ पर 50 दाग की गुच्छियाँ देखता हूँ तो यही पछतावा रहता है कि रब ने उस सूर का तौबा तौबा गला घोटने को यहाँ क्यों रखा। मारते मारते जब मेरी घरवाली बेहोश हो गई तब डर कर उसे गांव के बाहर फेंकवा दिया। 3रे दिन वह वहां से घिसटती घिसटती चलकर अपने भाई के यहां पहुंची। रघुनाथ ने रुधे गले से कहा, तुमने फरियाद नहीं की? कचहरियां गरीबों के लिए नहीं है बादशाह, वे तो सेठों के लिए हैं। गरीबों की फरियाद सुनने वाला सुनता है। उसने 15 दिन में सुनकर हुक्म भी दे दिया।
मेरी औरत को मारते मारते उस पाजी के हाथ की उंगलियों में भेद की एक सली चुभ गई थी, वही पक गई, लहू में जहर हो गया, 15वें दिन मर गया। हद से आकर मैंने सारा हाल सुना, अपने जेल घर को देखा और अपने परदादे की सिंहों की माफी जमीन को भी देखा। चला आया, मस्जिद में जाकर रोया। मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया, लाही मैं तेरे नाल हूं, अपनी जोई को धीरज दे। मैं साले के यहाँ पहुंचा, उसने 25 रुपए दिए, मैं टट्टू मोल लेकर पहाड़ चला आया और यहाँ रब का नाम लेता हूँ और आप जैसे साई लोगों की बंदगी करता हूँ। रब का नाम बड़ा है। रघुनाथ इम्तहान देकर रेल से घराठनी तक आया, वहाँ 30 मील पहाड़ी रास्ता था। दूरी पर चूने के से ढेर चमकते दिखने लगे, जो कभी न पिघलने वाली बर्फ के पहाड़ थे। रास्ता सांप की तरह चक्कर खाता था, मालूम होता कि एक घाटी पूरी हो गई है, पर ज्यों ही मोड़ पर आते त्यों ही उसकी जड़ में से एक और आधी मील का चक्कर निकल पड़ता। एक और ऊंचा पहाड़, दूसरी ओर 2.5 फुट गहरी खड्ड और किराए के टट्टुओं की लत की सड़क के छोर पर चलें, जिससे सवार की एक टांग तो खड्ड पर ही लटकी रहे। आगे वैसा ही रास्ता, वैसी ही खड्ड, सामने वैसे ही कोने पर चलने वाले टट्टू। जब धूप बढ़ी और जीन लगा तो मोती के स्वामी इलाही से रघुनाथ ने उसका इम्तहान पूछा। उसने जो सीधी और विश्वास से भरी दुख की धाराओं से भीगी हुई कथा कही, उससे कुछ मार्ग कट गया। कितने गरीबों का इतिहास ऐसी चरित्र, ऐसी चित्र घटनाओं की धूप छाया से भरा हुआ है, पर हम लोग प्रकृति के इन सच्चे मित्रों को न देखकर उपन्यासों की मृत तृष्णा में चमत्कार ढूंढते हैं। धूप चढ़ गई थी कि वे एक ग्राम में पहुंचे। गांव के बाहर सड़क के सहारे एक कुआं था और उसी के पास एक पेड़ के नीचे इलाही ने स्वयं और अपने मोती के लिए विश्राम करने का प्रस्ताव किया। घोड़े को निहारी देकर और पानी वानी पीकर धूप ढलते ही चल देंगे और बात की बात में आपको घर पहुंचा देंगे। रघुनाथ को भी टांग सीधी करने में कोई उज्र न था, खाने की इच्छा बिल्कुल न थी, हाँ पानी की प्यास लग रही थी। रघुनाथ अपने बक्से में से एक लोटा डोर निकालकर कुएं की तरफ चला। कुएं पर देखा कि 6-7 स्त्रियां पानी भरने और भर कर ले जाने की कई दशाओं में हैं। गांव में पर्दा नहीं होता, वहां सब पुरुष सब स्त्रियों से और सब स्त्रियां सब पुरुषों से निडर होकर बात कर लेती हैं, और शहरों के लंबे घूंघट के नीचे जितना पाप होता है उसका 10वां हिस्सा भी गांव में नहीं होता। इसी से तो कहावत में बाप ने बेटे को उपदेश दिया है कि घूंघट वाली से बचना। अनजान पुरुष किसी भी स्त्री से बहन कहकर बात कर लेता है और स्त्री बाजार में जाकर किसी भी पुरुष को भाई कहकर बोल लेती है। यही वाचिक संधि दिन भर के व्यवहार में पासपोर्ट का काम कर देती है। हंसी ठट्ठा भी होता है पर कोई दुर्भाव नहीं खड़ा होता। राजपुताने के गांव में स्त्री ऊंट पर बैठी निकल जाती है और खेतों के लोग मामी जी चिल्लाया करते हैं। न उनका अर्थ उस शब्द से बढ़कर कुछ होता है और न वह चिढ़ती है। एक गांव में बारात जीमने बैठी, उस समय स्त्रियां संधियों को गाली गाती हैं, पर गालियां न गाई जाती देख नागरिक सुधारक बराती को बड़ा हर्ष हुआ। वह ग्राम के एक वृद्ध से कह बैठा, बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ इतनी तरक्की हो गई है। बुढ़ा बोला, हाँ साहब तरक्की हो रही है। पहले गालियों में कहा जाता था फलाने की फलानी के साथ और अमुक की अमुक के साथ, लोग लोगाई सुनते थे हंसते थे, अब घर घर में वे ही बातें सच्ची हो रही हैं, अब गालियां गाई जाती हैं तो चोरों की दाढ़ी में तिनके निकलते हैं। तभी तो आंदोलन होते हैं कि गालियां बंद करो, क्योंकि वे चुपती हैं। रघुनाथ यदि चाहता तो किसी भी पानी भरने वाली से पीने को पानी मांग लेता, परंतु उसने अब तक अपनी माता को छोड़कर किसी स्त्री से कभी बात नहीं की थी। स्त्रियों के सामने बात करने को उसका मुंह खुल न सका। पिता की कठोर शिक्षा से बालकपन से ही उसे वह स्वभाव पड़ गया था कि 2 वर्ष प्रयाग में स्वतंत्र रहकर भी वह अपने चरित्र को केवल पुरुषों के समाज में बैठकर पवित्र रख सकता था। जो कोने में बैठकर उपन्यास पढ़ा करते थे उनकी अपेक्षा खुले मैदान में खेलने वालों के विचार अधिक पवित्र थे। इसलिए फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी रघुनाथ को कभी स्त्री विषयक कल्पना ही नहीं होती थी। वह मानवीय
सृष्टि में अपनी माता को छोड़कर और स्त्रियों के होने या न होने से अनभिज्ञ था। विवाह उसकी दृष्टि में एक आवश्यक किंतु दुर्गे बंधन था जिसमें सब मनुष्य फंसते हैं, और पिता के आज्ञा अनुसार वह विवाह के लिए घर उसी रुचि से आ रहा था जिससे कि कोई पहले पहल थिएटर देखने जाता है। कुएं पर इतनी स्त्रियों को इकट्ठा देखकर वह सहम गया। उसके ललाट पर पसीना आ गया। उसका बस चलता तो वह बिना पानी पिए ही लौट जाता। अस्तु चुपचाप डोर लोटा लेकर एक कोने पर जा खड़ा हुआ और डोर खोलकर फांसा देने लगा। प्रयाग के बोर्डिंग की टोटियों की कृपा से जन्म भर कभी कुएं से पानी नहीं खींचा था, न लोटे में फांसा लगाया था। ऐसी अवस्था में उसने सारी डोर कुएं पर बिखेर दी और उसकी जो छोर लोटे से बंधी थी वह कभी तो लोटे को 120 अंश के कोण पर लटकाती और कभी उत्तर पर। डोर के बट जब खुलते हैं तो वह बहुत पेच खाती है। इन पेचों में रघुनाथ की बाहें भी उलझ गईं। सिर नीचे किए ज्यों ही वह डोर को सुलझाता था त्यों ही वह उलझ जाती थी। उसे पता नहीं था कि गांव की स्त्रियों के लिए यह अद्भुत कौतुक नयनोत्सव हो रहा था। धीरे धीरे टिक्का टिप्पणी आरंभ हो गई। एक ने हंसकर कहा, पटवारी है, पैदाइश की जरीब फैलाता है। दूसरी बोली, ना बाजीगर है, हाथ पांव बांधकर पानी में कूद पड़ेगा और फिर सूखा ही निकल आएगा। तीसरी बोली, क्यों लल्ला, घर वालों से लड़कर आए हो। चौथी ने कहा, क्या कुएं में दवाई डालोगे, इस गांव में तो कोई बीमारी नहीं है। इतने में एक लड़की बोली, काहे की दवाई और काहे का पटवारी, अनाड़ी है, लोहे में फांसा देना आता नहीं। भाई मेरे घड़े को मत कुएं में डाल देना, तुमने तो सारी मेड़ ही रोक ली। यूं कहकर वह सामने आकर अपना घड़ा उठाकर ले गई। पहली ने पूछा, भाई तुम क्या करोगे। लड़की बात काटकर बोली, कुएं को बांधेंगे। पहली, अरे बोल तो। लड़की, माँ ने सिखाया नहीं। संकोच, प्यास, लज्जा और घबराहट से रघुनाथ का गला रुक रहा था। उसने खास कर कंठ साफ करना चाहा। लड़की ने भी वैसी ही आवाज की। इस पर पहली स्त्री बढ़कर आगे आई और डोर उठाकर कहने लगी, क्या चाहते हो, बोलते क्यों नहीं। लड़की, फारसी बोलेंगे। रघुनाथ ने शर्म से कुछ आंखें ऊंची की, कुछ मुंह फेर कर कुएं से कहा, मुझे पानी पीना है, लोटे से निकाल रहा, निकाल लूंगा। लड़की, परसों तक। स्त्री बोली, तो हम पानी पिला दें, ला भागवंती घघरी उठा ला, इनको पानी पिला दे। लड़की घघरी उठा लाई और बोली, ले मामी के पालतू पानी पी ले, शर्मा मत, तेरी बहू से नहीं कहूंगी। इस पर सारी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। रघुनाथ के चेहरे पर लाली दौड़ गई और उसने यह दिखाना चाहा कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, यद्यपि 10-12 स्त्रियां उसके भौचक्केपन को देख रही थी। सृष्टि के आदि से कोई अपनी झेप छिपाने को समर्थ न हुआ न होगा। रघुनाथ उल्टा झेप गया। नहीं नहीं, मैं आप ही। लड़की, कुएं में कूद के। इस पर एक और हंसी का फवारा फूट पड़ा। रघुनाथ ने कुछ आंखें उठाकर लड़की की ओर देखा। कोई 14-15 बरस की लड़की शहर की छोकरियों की तरह पीली और दुबली नहीं, हिष्ट पुष्ट और प्रसन्न मुख, आंखों के डेले काले, कोई सफेद नहीं, कुछ मटिया नीले और पिघलते हुए। यह जान पड़ता था कि डेले अभी पिघलकर बह जाएंगे। आंखों के चौतरंग हंसी, होठों पर हंसी और सारे शरीर पर निरोग स्वास्थ्य की हंसी। रघुनाथ की आंखें और नीली हो गई। स्त्री ने कहा, पानी पी लो जी। लड़की खड़ी है, एक हाथ मुंह के आगे लगाया। लड़की गगरी से पानी पिलाने लगी। जब रघुनाथ आधा पानी पी चुका तब उसने सांस लेते लेते आंखें ऊंची की। उस समय लड़की ने ऐसा मुंह बनाया कि ठी ठी करके रघुनाथ हंस पड़ा। उसकी नाक में पानी चढ़ गया और सारी आस्तीन भीग गई। लड़की चुप। रघुनाथ को खांसते डगमगाते देखकर स्त्री आगे चली आई और गगरी छीनती हुई लड़की को झिड़क कर बोली, तुझे रात दिन दिन उत्पतन ही सूझता है। इन्हें गलसूर चला गया, ऐसी हंसी भी किस काम की। लो मैं पानी पिलाती हूं। लड़की, दूध पिला दो, बहुत देर हुई, आंसू भी पोंछ दो। सच्चे ही रघुनाथ के आंसू आ गए थे। उसने स्त्री से जल लेकर मुंह धोया और पानी पिया। धीरे से कहा, बस जी बस। लड़की, अब के आप निकाल लेंगे।
रघुनाथ को मुंह पोंछते देख स्त्री ने पूछा, कहाँ रहते हो? आगरे। इधर कहाँ जाओगे? लड़की, बीच ही में, शिकारपुर, वहां ऐसों का गुरुद्वारा है। स्त्रियां खिलखिला उठी। रघुनाथ ने अपने गांव का नाम बताया। मैं पहले कभी इधर आया नहीं, कितनी दूर है, कब तक पहुंच जाऊंगा? अब भी वह सिर उठाकर बात नहीं कर रहा था। लड़की, यही 15-20 दिन में, 300-400 कोस तो होगा। स्त्री, छी, 2-2.5 भर है, अभी घंटे भर में पहुंच जाते हो, रास्ता सीधा ही है ना? लड़की, नहीं तो, बाएं हाथ को मुड़कर चीड़ के पेड़ के नीचे, दाहिने हाथ को मुड़ने के पीछे 7वें पत्थर पर, फिर बाएं मुड़ जाना, आगे सीधे जाकर कहीं न मुड़ना। सबसे आगे एक गीदड़ की गुफा है, सबसे उत्तर को बाढ़ उलांग कर चले जाना। स्त्री, छोकरी तू बहुत सिर चढ़ गई है, चिकर चिकर करती ही जाती है। नहीं जी, एक ही रास्ता है, सामने नदी आवेगी, परले पार बाएं हाथ को गांव है। लड़की, नदी में भी यूं ही फांसा लगा कर पानी निकालना? स्त्री उसकी बात अनसुनी करके बोली, क्या उस गांव में डाक बाबू होकर आए हो? रघुनाथ, नहीं, मैं तो प्रयाग में पढ़ता हूँ। लड़की, ओहो, प्रयाग जी में पढ़ते हैं, कुएं से पानी निकालना पढ़ते होगे? स्त्री, चुप कर, ज्यादा बकबक काम की नहीं, क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आई है? इस पर महिला मंडल फिर हंस पड़ा। रघुनाथ ने घबरा कर इलाही की ओर देखा तो वह मजे में पेड़ के नीचे चिलम पी रहा था। इस समय रघुनाथ को हाजी इलाही से ईर्ष्या होने लगी। उसने सोचा कि हद से लौटते समय समुद्र में खतरे कम हैं और कुएं पर अधिक। लड़की, क्यों जी, पिराग जी में अक्कल भी बिकती है। रघुनाथ ने मुंह फेर लिया। स्त्री, तो गांव में क्या करने जाते हो? लड़की, कमाने खाने। स्त्री, तेरी कैंची नहीं बंद होती, यह लड़की तो पागल हो जाएगी। रघुनाथ, मैं वहां के बाबू शोभराज जी का लड़का हूँ। स्त्री, अच्छा अच्छा, तो क्या तुम्हारा ही ब्याह है? रघुनाथ ने सिर नीचा कर लिया। लड़की, मामी मामी, मुझे भी अपने नए पालतू के ब्याह में ले चलना, बड़ा ब्याहने चली है। यह घोड़ी है और वह जो चिलम पी रहा है नाना बनेगा। वाह जी वाह, ऐसे बुद्धू के आगे भी कोई लहंगा पसारेगा? स्त्री लड़की की ओर झपटी। लड़की गगरी उठाकर चलती बनी। लड़की स्त्री उसके पीछे 10 कदम गई ही थी कि स्त्री मंडल का एक अट्ठास से गूंज उठा। रघुनाथ इलाही के पास लौट आया, पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत न हुई। उसके गले में भस्म का सा स्वाद आ रहा था। जीवन भर में यही उसका स्त्रियों से पहला परिचय हुआ। उसकी आत्मलज्जा इतनी तेज थी कि वह समझ गया कि मैं इनके सामने बन गया हूँ। जीवन में ऐसी स्त्रियों से आधा संसार भरा रहेगा और ऐसी ही किसी से विवाह होगा। तुलसीदास ने ठीक ही कहा कि तुलसी गाय बजाए के दियो काठ में पाओ, स्त्रियों की टोली के वाक्य उसे गढ़ रहे थे और सब वाक्यों के दुस्वप्न के ऊपर उस पिघलती हुई आंखों वाली कन्या का चित्र मंडरा रहा था। बड़े ही उदास चित्त से रघुनाथ घर पहुंचा। गांव पहुंचते ही तीसरे दिन रघुनाथ सवेरा होते ही घूमने को निकला। पहाड़ी जमीन जहां रास्ता देखने में कोस भर जचे और चाहे उस 10 मील का चक्कर काट लो। बिना पानी सींचे हुए हरे मखमल के गलीचे से ढकी हुई जमीन, उस पर जंगली गुलदाउदी की पीली टिमकियां और बसंत के फूल, आलू बुखारों और पहाड़ी करौंदों की रज से भरे हुए छोटे छोटे रंगीले फूल जो पेड़ का पत्ता भी नहीं दिखने दे, क्षितिज पर लटके हुए बादलों की सी बर्फीले पहाड़ों की चोटियां जिन्हें देखते आंखें अपने आप बड़ी हो जाती और जिनकी हवा की सांस लेने से छाती बढ़ती हुई जान पड़ती, नदी से निकली हुई छोटी छोटी असंख्य नहरें जो सांप के से चक्कर खा खा कर फिर प्रधान नदी की ओर पथरीली तलेटी में जा मिलती, ये सब दृश्य प्रयाग के ईंटों के घर और कीचड़ की सड़कों से बिल्कुल निराले थे। चलते चलते रघुनाथ का मन नहीं भरा और घाटी के उतार चढ़ाव की गिनती न करके वह नदी के चक्करों की सीध में हो लिया। एक और आम के पेड़ थे जो बौरों और कैरियों से लदे हुए थे। उनके सामने धान के खेत थे जिनमें से पानी किलचिल किलचिल करता हुआ टिघल रहा था।
कहीं उसे कटीली बाड़ों के बीच में होकर जाना पड़ता था और कहीं छोटे छोटे झरने जो नदी में जा मिले थे लांगने पड़ते थे। इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेता हुआ हमारा चित्रनायक नदी की ओर बढ़ा। इस समय वहां कोई न था। रघुनाथ ने एक अकृत्रिम घाट चौड़ी शिला पर खड़े होकर नदी की शोभा देखी और सोचा कि हजामत बनाकर नहा धोकर घर चलें। नई सभ्यता के प्रभाव से सेफ्टी रेजर और साबुन की टिकिया सफारी कोट की जेब में ही थी। ऊपर की पॉकेट बुक से एक आईना भी निकालना पड़ा। रघुनाथ उसी शिला फलक पर बैठ गया और अपने मुख रूपी आकाश पर छाए हुए कोमल बादलों को मिटाने के लिए अमेरिका के इस जेबी वज्र को निकालने लगा। कवियों को सोचने का समय पाखाने में मिलता है और युवाओं को स्वयं हजामत करने में। यदि नाई होता तो संसार के समाचारों में वही मगज चाट जाता। इसकी वैज्ञानिक युक्ति मुझे एक थियोसोफिस्ट ने बताई थी। वह बहुत से तर्क और कुतर्कों में सिद्ध कर रहा था कि पुरानी चालों में सूक्ष्म वैज्ञानिक रहस्य भरे पड़े हैं। यहां तक कि माता बच्चे के सिर में नजर से बचाने के लिए जो काजल का टीका लगा देती है अथवा दूध पिलाए पीछे बच्चे की धूल की चुटकी चटा देती है, इसका भी वह बिजली के विज्ञान से समाधान कर रहा था। उसने कहा कि हजामत बनाते या बनवाते समय रोम खुल जाने से मस्तिष्क तक के स्नायु तारों की बिजली हिल जाती है और वहां विचार शक्ति की खुजलाहट पहुंच जाती है। अस्तु। रघुनाथ की खुजलाहट का आरंभ यूं हुआ कि वह नदी सहस्त्रों वर्षों से यूं ही बह रही थी और यूं ही बहती जाएगी। किनारे के पहाड़ों ने, ऊपर के आकाश ने और नीचे की मिट्टी ने उसको यूं ही देखा और यूं ही वे उसे देखते जाएंगे। यही क्या, नदी का प्रत्येक परमाणु अपने आने वाले परमाणु की पीठ को और पीछे वाले परमाणु के सामने देखता जाता है? अथवा क्या पहाड़ को या तलेटी की नदी की खबर है? क्या नदी के कारण परमाणु को दूसरे की खबर है? मैं यहां बैठा हूं, इन परमाणुओं को, इन पत्थरों को, इन बादलों को क्या मेरी खबर है? इस समय आगे पीछे नीचे ऊपर कौन मेरी परवाह करता है? मनुष्य अपने घमंड में त्रिलोकी का राजा बना फिरे, उसे अपने आत्मविश्वास के सिवा पूछता ही कौन है? इस समय मेरा यह छोर बनाना किसके लिए ध्यान देने योग्य है? किसे पड़ी है कि मेरी लीलाओं पर ध्यान रखे? इसी विचार की तार में ज्यों ही उसने सर उठाया त्यों ही देखा कि कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी लीलाएं ध्यान देने योग्य हो रही थी जो उनका अनुकरण करती थी। रघुनाथ क्या देखता है कि वही पानी पिलाने वाली लड़की सामने एक दूसरी शिला पर बैठी हुई और उसकी नकल कर रही है। उस दिन की हंसी की लज्जा रघुनाथ के जी से नहीं हटी थी। वह लज्जा और संकोच के मारे यही आशा करता था कि फिर कभी वह लड़की मुझे न दिखाई पड़े और अपनी ठठोलियों में मुझे तंग न करे। अब जिस समय वह यह सोच रहा था कि मुझे कोई न देख रहा है, वही लड़की उसके हजामत बनाने की नकल कर रही है। उसने हाथ में एक तिनका ले रखा है। जब रघुनाथ उस तरह चलाता तब वह तिनका चलाती है, जब रघुनाथ हाथ खींचता है तब वह तिनका रोक लेती है। रघुनाथ ने मुंह दूसरी ओर किया, उसने भी वैसा ही किया। रघुनाथ ने दाहिना घुटना उठाकर अपना आसन बदला, वहां भी ऐसा ही हुआ। रघुनाथ ने बाई हथेली धरती पर टेक कर अंगड़ाई ली, लड़की ने भी वही मुद्रा की। ये प्रयोग रघुनाथ ने यह निश्चय करने के लिए किए थे कि यह लड़की क्या वास्तव में मेरा माखौल कर रही है। उसने हल्का सा खखारा उधर से सुना, अब संदेह नहीं रह गया। ऐसे अवसर पर बुद्धिमान लोग जो करना चाहते हैं वही रघुनाथ ने किया, अर्थात मुंह बदलकर अपना काम करता रहा और उसने विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा। इस विचार का वही परिणाम हुआ जो ऐसे विचारों का होता है, अर्थात दो ही मिनट में रघुनाथ ने अपने को उसी ओर देखते हुए पाया। अब लड़की ने भी अपना आसन बदल लिया था। रघुनाथ ने कई बार विचार किया कि मैं उधर न देखूंगा, पर वह फिर उधर ही देखने लगा। आंखें जो मानो अभी पानी होकर बह जाएंगी, सफेद हल्का सा नीला कोवा
जिसमें एक प्रकार की चंचलता, हंसी और घृणा तैर रही थी। यह लड़की यो पिंड न छोड़ेगी, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, इससे पूछू तो फिर वैसे बताएगी। पर खैर, आज तो अकेली यही है, इसकी चोटों पर साधुवाद करने के लिए महिला मंडल तो है नहीं। यह सोचकर रघुनाथ ने जोर से खंखारा, वही जवाब मिला। उसने हाथ बढ़ाकर रंगड़ाई ली, वहां भी अंग तोड़े गए। रघुनाथ ने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका, उधर डेला फेंका गया और खलल करते पानी में बोला, वह बिना वचनों की छेड़ रघुनाथ से सही न गई। उसने एक छोटी सी कंकरी उठाकर लड़की की शिला पर मारी, जवाब में वैसे ही एक कंकरी रघुनाथ की शिला में आ बजी। रघुनाथ ने दूसरी कंकरी उठाकर फेंकी, जो लड़की के समीप जा पड़ी। इस पर एक कंकरी आकर रघुनाथ की पॉकेट बुक के आईने पर पट से बोली और उसे फोड़ गई। रघुनाथ कुछ चढ़ गया, उसकी हिम्मत कुछ बढ़ गई। अब के उसने जो कंकरी मारी कि वह लड़की के हाथ पर जा लगी। इस पर लड़की ने हाथ को झट से उठाया और स्वयं उठी, जहां रघुनाथ बैठा था वहां आई और देखते देखते उसने सामने से टोपी, उस्तरा और पॉकेट बुक तथा साबुन की बट्टी को उठाकर नदी की ओर बढ़ी। जितना समय इस बात को लिखने और बांचने में लगा, उतना समय भी नहीं लगा कि उसने सबको पानी में फेंक दिया। रघुनाथ उसके हाथ को नदी की ओर बढ़ते हुए देख इसका तात्पर्य समझकर कर्तव्य विमूढ़ सा यों ही दो कदम आगे धरता है कि पंकाली शिला पर उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से सिर के बल पानी में गिर पड़ा। रघुनाथ तैरना नहीं जानता था, यद्यपि वह मित्रों के पास जाकर दारागंज की गंगा में नहा आया था, परंतु चाहे कितना ही तैराक हो, औंधे सर पानी में गिरने पर तो गोता खा ही जाता है। रघुनाथ का सिर पैंदे के पास पहुंचते ही उसने दो गोते खाए और सीधा होते होते उसकी सांस टूट गई। यूं तो नदी में पानी रघुनाथ के सिर से कुछ ऊंचा ही था और धीरज से उसके पैर टिक जाते तो वह हाथ फटा फट कर किनारे आ लगता, क्योंकि वह बहुत दूर नहीं गया था। पर फिसलन की घबराहट, सांस का टूटना, गले में पानी भर जाना, नीचे दलदल, इस सबसे वह भौचक होकर 20-30 हाथ बढ़ता ही चला गया। नदी की तलेटी में चट्टान थी जो पानी के बहाव से क्रमशः खिरती जाती थी। वहां पानी का नाला कुछ जोर से बढ़कर चक्कर खाता था। वहां पहुंचकर पानी कम होने पर भी हाथ पैर मारने पर रघुनाथ के पैर नहीं टिके और उछलता हुआ पानी उसके मुंह पर आ गया। वह नदी के बहाव की ओर जाने लगा। बालिका ने जान लिया कि बिना निकाले वह पानी से निकल न सकेगा। वह झट सारी से कछौटा कसकर पानी में कूद पड़ी। जल्दी से तैरती हुई आकर उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ना चाहा कि इतने में रघुनाथ एक और चक्कर काटकर सिर पानी के नीचे करके खांसने लगा। लड़की के हाथ उसकी चमड़ी की पेटी आई थी जो उसने पतलून के ऊपर बांध रखी थी। वह एक हाथ से उसे खींचती हुई रघुनाथ के छर्रे के बहाव से निकाल लाई और दूसरे हाथ से पानी हटाती हुई किनारे की ओर बढ़ने लगी। अब रघुनाथ भी सीधा हो गया था। पानी चीरने में खड़ा या मुड़ा आदमी लेटे हुए की अपेक्षा बहुत दुखदायी होता है। हाफती हुई कुमारी ने बिडराए हुए रघुनाथ को किनारे लगाया। रघुनाथ मुंह और बालों का पानी निचोड़ता हुआ, तर बतर कुर्ते और पतलून से धाराएं बहता हुआ चट्टान पर जा बैठा। 5-7 बार खांसने पर, आंखें पोछने पर उसने देखा कि भीगी हुई कुमारी उसके सामने खड़ी है और उन्हीं पिघलती हुई आंखों से घृणा, दया और हस्ती छलकाती हुई कह रही थी, इस अनाड़ी के सामने भी कोई अपना लहंगा पसारेगी। ये सब घटनाएं इतनी जल्दी जल्दी हुई थी कि रघुनाथ का सिर चकरा रहा था। अभी पानी की गूंज कानों को ढोल किए हुए था और मानसिक शोभ और लज्जा में वह पागल हो रहा था। उसके मन की पिछली भित्ती पर चाहे यह अंकित हो रहा है कि लड़की ने मुझे नदी में से निकाला है, पर सामने की भित्ती पर यही था कि शब्द के कोड़ों से वह मेरी चमड़ी उधेड़े डालती है। रघुनाथ उसे पकड़ने के लिए लपका और लड़की दो खेतों के बाड़ के बीच तंग सड़क पर दौड़ भागी। रघुनाथ पीछा करने लगा। गांव की लड़कियां हड्डियों और गहनों का बंडल नहीं होती,
वहाँ वे दौड़ती हैं, कूदती हैं, हंसती हैं, गाती हैं, खाती हैं, पहनती हैं। नगरों में आकर वे खूंटे में बंद कर कुंभलाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, भूखी रहती हैं, सोती हैं, रोती हैं और मर जाती हैं। रघुनाथ ने मील की दौड़ में इनाम पाया था। उस समय का दौड़ना उसके बहुत गुण बैठा। पानी में गोते खाने के पीछे की सारी शून्यता मिटने लगी। पांव मील दौड़ने पर लड़की जितने हाथ आगे बढ़ती थी वे घटने लगे। 100 गज और जाते जाते अचानक चीख मारकर लड़खड़ा कर वह गिरने लगी। रघुनाथ उसके पास जा पहुंचा। अवश्य ही रघुनाथ के इतने हाफने वाले श्रम के और मानसिक क्षोभ के पीछे यही भाव था कि इस लड़की को गुस्ताखी के लिए दंड दूं। रघुनाथ ने उसे दोनों बाहें डालकर पकड़ लिया। रघुनाथ के लिए स्त्री का और उस लड़की के लिए पुरुष का यह पहला स्पर्श था। रघुनाथ कुछ सोच भी न पाया था कि मैं क्या करूं। इतने में लड़की ने मुंह उसके सामने करके अपनी नखों से उसकी पीठ में और बगल में तेज चुटकियां काटी। रघुनाथ की बाहें ढीली हुई पर क्रोध नहीं। उसने एक मुक्का लड़की की नाक पर जमाया। लड़की सांस लेते रुकी। इतने में दौड़ने के वेग से जो अभी न रुका था और मुक्के से दोनों नीचे गिर पड़े। दोनों धूल में लोटम लोट हो गए। रघुनाथ धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। क्या देखता है कि लड़की के नाक से लहू बह रहा है। अपनी विजय का पहला आवेश एकदम से भूलकर वह पश्चाताप और दुख के पास में फंस गया। उसका मुंह पसीना पसीना हो गया। वह चाहता था कि इन लहू की बूंदों के साथ मैं भी धरती में समा जाऊं और उसके साथ ही अपनी आंखें भूमि में गड़ा भी रहा था। परंतु फिर क्षण में आंखें उठ गईं। लड़की अपने भीगे और धूल लगे हुए आंचल से नाक पोंछते हुए उन्हीं आंखों में वही घृणा की और पछतावे की दृष्टि डालती हुई कर रही थी। वाह, अच्छे मर्द हो, बड़े बहादुर हो, स्त्रियों पर हाथ उठाया करते हैं। रघुनाथ चुप। वाह, पिराग जी में खूब इलम पढ़ा, स्त्रियों पर हाथ उठाते होगे। रघुनाथ ने सिर नीचे से आंखें न उठाकर कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा सिर ठिकाने नहीं है। मुझे चक्कर, अभी चक्कर आवेंगे, स्त्रियों पर हाथ नहीं चलाया करते। सड़क यहाँ चौड़ी हो गई थी। कशनार की एक बेल आम पर चढ़ी हुई थी और आम के तले पत्थरों का थावला था। सुनसान था। दूर से नदी की कलकल और रह कर खाती चिड़े की ठक 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 आ रही थी। उस समय रघुनाथ का घोंघापन हटने लगा और स्त्रियों की ओर से झेप इस पिघलती हुई आंखों वाली के वचन बाड़ों के नीचे भागने लगी। ढांढस कर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भागवंती। रहती कहाँ हो? मामी के पास, वही जिसने कुएं पर पानी नहीं पिलाया था। उस दिन का स्मरण आते ही रघुनाथ फिर चुप हो गया। फिर कुछ ठहर कर बोला, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें आदमी बनाने को, जो तुम्हें बुरा लगा हो तुम, मैंने भी अपने किए का लहू बहाकर फल पा लिया। एक सलाह देती हूँ। क्या? कल से नदी में नहाने मत आना। क्यों? गोते लगाओगे तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। रघुनाथ झेपा, फिर संभल कर बोला, अब कोई मेरी जान बचाएगा तो मैं पीछा नहीं करूंगा, तो गाली भी सुन लूंगा। इसलिए नहीं, मैं आज अपने बाप के यहां जाऊंगी। तुम्हारा घर कहाँ है? जहां अनाड़ियों के डूबने के लिए कोई नदी नहीं है। फिर वही बात लाई, तो वहां पर चिढ़ाने वालों के भागने के लिए रास्ता भी नहीं होगा। जी, यहां जो मैं आपके हाथ आ गई, नहीं तो काटा न लगता तो पिराग जी तक दौड़ते तो हाथ ना आती। कांटा? कांटा कैसा? यह देखो। रघुनाथ ने देखा कि उसके दाहिने पैर के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ है। उसको यह सूझी कि यह मेरे दोष से हुआ है। बालिका के सहारे वह घुटने के बल बैठ गया और उसका पैर खींचकर रुमाल से धूल झाड़कर कांटे को देखने लगा। कांटा मोटा था पर पैर में बहुत पैंट गया था। वह उठकर बाड़ से एक और बड़ा कांटा तोड़ लाया उससे और पतलून की जेब से चाकू से उसने कांटा निकाला। निकालते ही लहू का डोरा बह निकला। कांटा प्रायः 2 इंच लंबा था और जहरीली कटीली का था। उफ,
कहकर रघुनाथ ने कमीज की आस्तीन फाड़कर उसके पांव में पट्टी बांध दी। पालिका चुप बैठी थी। रघुनाथ कांटे को निरख रहा था। अब तो दर्द नहीं? कोई एहसान थोड़ा है, तुम्हारी भी कांटा गड़ जाए तो निकलवाने आ जाना। अच्छा, रघुनाथ का जी जल गया। यह बर्ताव? अच्छा क्या, जाओ अपना रास्ता लो, यह कांटा मैं ले जाऊंगा, आज की घटना की यादगारी रहेगी। मैं जरा इसे देख लूं। रघुनाथ ने अंगूठे और तर्जनी से कांटा पकड़कर उसकी ओर बढ़ाया। अपनी दो उंगलियों में से उसे उठाकर और दूसरे हाथ से रघुनाथ को धक्का देकर लड़की हंसती हंसती दौड़ गई। रघुनाथ धूल में एक कलाम मुंडी खाकर ज्यों ही उठा कि बालिका खेतों को फांती हुई जा रही थी। अब की दफा उसका पीछा करने का साहस हमारे चरित्र नायक ने नहीं किया। नदी तट पर जाकर कोट उठाया और चौंधियाए मस्तिष्क से घर की राह ली। रघुनाथ के हृदय में स्त्री जाति की अज्ञानता का भाव और उसके पृथक रहने का कोहरा तो था ही, अब उसके स्थान में उद्वेगपूर्ण ग्लानि का धूम इकट्ठा हो गया था। पर उस धूम के नीचे नीचे उस चपल लड़की की चिंगारी भी चमक रही थी। अवश्य ही अपने पिछले अनुभव से वह इतना चमक गया था कि किसी स्त्री से बात करने की उसकी इच्छा न थी, परंतु रह रहकर उसके चित्त में उस पिघलती हुई आंखों वाली का और अधिक हाल जानने और उसके वचन कोड़े सहने की इच्छा होती थी। रघुनाथ का हृदय एक पहेली हो रहा था और उस पहेली में पहेली उस स्वतंत्र लड़की का स्वभाव था। रघुनाथ का हृदय धुएं से घुट रहा था और विवाह के पास आते हुए अवसर को वह उसी भाव से देख रहा था जैसे चैत्र कृष्ण में बकरा आने वाले नवरात्र को देखता है। इधर पिताजी और चाचा खोज रहे थे। आसपास गांव में 3-4 पुत्रियां थीं जिनके पिता अधिक धन के स्वामी न होने से अब तक अपना भार न उतार सके थे और अब बृहस्पति के सिंह का कवल हो जाने को अपने नरक गमन का परवाना सा देख कर भी आत्मघात नहीं कर रहे थे। हिंदू समाज में धौंस से कुछ नहीं होता, जरूरत से सब हो जाता है। बड़े से बड़े महाराज थैलियों के मुंह खुलवा कर भी शास्त्र जड़ लोगों से यह नहीं कहलवा सकते थे अष्टवर्षा भवेद गौरी पर हड़ताल लगा दो। उल्टा अष्ट का अर्थ गर्भाष्ट करके 7 वर्ष 3 महीने की आयु निकाल बैठेंगे। परंतु कभी शुक्र का छिपना और कभी बृहस्पति का भागना, कभी घर का न मिलना और कभी पल्ले पैसा न होना, कभी नाड़ी विरोध और कभी कुछ समझदार आदमी चाहे तो कन्या को 14 वर्ष की करके काशीनाथ ले जाकर आजकल के महामहोपाध्यायों तक को अंगूठा दिखला सकता है। दो घर तो ज्योतिषी ने खो दिए, तीसरी के बारे में भी उन्होंने लत्तापात करना चाहा था, पर कुछ तो ज्योतिषियों के डाकखाने के द्वारा मनी ऑर्डर का ग्रहों पर प्रभाव पड़ा और कुछ के रघुनाथ पिता के इस बिहारी के दोहे के पाठ का ज्योतिषी जी पर। सुत पितु मारक जोग लखी उपजियो ही अति सोग, पुनि विहस्यो पुन जोयसी सुत लखी जारज जोग। विधि मिल गई, झंडीपुर में सगाई निश्चित हुई, 20 दिन पीछे बारात चढ़ेगी और रघुनाथ का विवाह होगा। कन्यादान के पहले और पीछे वर कन्या को एक दुशाला डालकर एक दूसरे का मुंह दिखाया जाता है। उस समय दुल्हा दुल्हन जैसे व्यवहार करते हैं, उससे ही उनके भविष्य दाम्पत्य सुख का थर्मामीटर मानने वाले स्त्रियां बहुत ध्यान से उस समय के दोनों के आकार विकार को याद रखती हैं। जो हो, झंडीपुर की स्त्रियों में यह प्रसिद्ध है कि मुंह दिखाने के पीछे लड़के का मुंह सफेद फक हो गया था और विवाह में जो कुछ होम वगैरह उसने किए वे पागल की तरह, मानो उसने कोई भूत देखा था। और लड़की ऐसी गुम हुई, उसे काटो तो खून नहीं। दिन भर वह चुप रही और बिड़राई आंखों से जमीन देखती रही, मानो उसे भी भूत दिख रहे हों। स्त्रियों ने इन लक्षणों को बहुत अशुभ माना था। दुल्हन डोले में विदा होकर ससुराल आ रही थी। रघुनाथ घोड़े पर था। दोपहर चढ़ने से कहारों और बरातियों ने एक बड़ की छाया के नीचे बावड़ी के किनारे डेरा लगाया कि रोटी पानी करके और धूप काट के चलेंगे। कोई नहाने लगा, कोई चूल्हा सुलगाने लगा। दुल्हन पालकी का पर्दा हटाकर हवा ले रही थी और अपने जीवन की स्वतंत्रता के बदले में पाई हुई हथकड़ियों और चांदी की बेड़ियों को निरख रही थी। मनुष्य पहले पशु है, फिर मनुष्य। सभ्यता या शांति का भाव पीछे आता है, पहले पाश्विक बल और फिर विजय का।
रघुनाथ ने पास आकर कहा, क्या कहा था? ऐसे मर्द के आगे कौन लहंगा पसारेगी? सिर पालकी के भीतर करके बालिका ने पर्दा डाल लिया। रघुनाथ ने यह नहीं सोचा कि उसके जी पर क्या बीतेगी। उसने अपनी विजय मानी और उसी की अकड़ में बदला लेना ठीक समझा। हाँ, फिर तो कहना, इस बुद्धू के आगे कौन लहंगा पसारेगी? चुप। क्यों, अब वह कैची सी जीप कहाँ गई? चुप। कहाँ तो रघुनाथ छेड़ से छिड़ता था, अब कहाँ वह स्वयं छेड़ने लगा। उसकी इच्छा पहले तो यह थी कि यह बोली कभी न सुनो, परंतु अब वह चाहता था कि मुझे फिर वैसे ही उत्तर मिले। विवाह के पहले अचंभे के पीछे उसने दुख की आग के साथ ही साथ एक संतोष की आ भरी थी, क्योंकि पहले दिन की घटनाओं ने उसके हृदय पर एक बड़ा अद्भुत परिवर्तन कर दिया था। कहो जी, अब प्रयाग वालों को अकल सिखाने आई हो? अब इतनी बातें कैसे सुनी जाती हैं? मैं हाथ जोड़ती हूं, मुझसे मत बोलो, मैं मर जाऊंगी। तो नदी में डूबते हुए बुद्धों को कौन निकालेगा? अब रहने दो, यहां से जाओ। क्यों? क्यों क्या? अब इस चक्की में ऐसे ही पिसना है, जन्म भर का रोग है, जन्म भर का रोना है। नहीं, मुझे अकल सिखाने का, रघुनाथ ने व्यंग से आरंभ किया था, पर इतने में एक कहार चीलम में तंबाकू डालने आया गया। भूमिका की सफाई बिना कहे और बिना हुए ही रह गई। हिंदू घरों में कुछ दिनों तक दंपति चोरों की तरह मिलते हैं, यह संयुक्त कुटुंब प्रणाली का वर या शाप है। रघुनाथ ने ऐसे चोरों के अवसर आगरे आकर ढूंढने आरंभ किए, पर भागवंती टाल जाती थी। उसने रघुनाथ को एक भी बात कहने का या सुनने का मौका न दिया। जुलाई में रघुनाथ इलाहाबाद जाकर थर्ड ईयर में भर्ती हो गया। दशहरे और बड़े दिन की छुट्टियों में आकर उसने बहुतेरा चाहा कि दो बातें कर सके, पर भागवंती उसके सामने ही नहीं होती थी। हाँ, कई बार उसे यह संदेह हुआ कि वह मेरी आहट पर ध्यान रखती और छिप छिप कर मुझे देखती है, पर ज्यों ही वह एक सूद भर आगे बढ़ता कि भगवंती लोप हो जाती। पढ़ने की चिंता में विघ्न डालने वाली अब उसको यह नई चिंता लगी। यह बात उसके जी में जम गई कि मैंने अमानुष निर्दयता से और बोली ठोली में उसके सीधे हृदय को दुखा दिया है। परंतु कभी कभी यह सोचता कि क्या दोष मेरा ही है, उसने क्या कम ज्यादती की है, जो ताने तिश्ने उस समय उसके हृदय को बहुत ही चीरते हुए जान पड़ते थे, वे अब उसकी स्मृति में बहुत प्यारे लगने लगे। सोचता था कि मैं ही आकर क्षमा मांगूंगा, जिन जांघों से उनका पीछा किया था उन्हें बांध कर उसके सामने पढ़कर कहूंगा कि उस दिन वाली चाल से मुझे कुचलती हुई चली जा, अथवा यह कहूंगा कि उसी नदी में मुझे धकेल दे। यूं तरह तरह के तर्क वितर्कों में उसका समय कटने लगा। न हॉकी में अब उसकी कदर रही और न प्रोफेसर की आंखें वैसी रही। उसी कीचड़ लगे हुए पतलून को मेज पर रखकर सोचता 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 रहता। होली की छुट्टियां आईं। पहले सलाह हुई कि घर न जाऊं, काशी में एक मित्र के पास ही छुट्टियां बिताऊं। उस मित्र ने प्रसंग चलने पर कहा, हाँ भाई, ब्याह के पीछे पहली होली है, तुम काहे को चलते हो? वह रघुनाथ के हृदय के भार को क्या समझ सकता था। रघुनाथ ने हंसकर बात टाल दी। रात को सोचा कि चलो छुट्टियों में बोर्डिंग में ही रहूं, पास ही पब्लिक लाइब्रेरी है, दिन कट जाएंगे। रात को जब सोया तो पिघलती हुई आंखें, वही नाक से बहता हुआ खून और वह आंसुओं से न ढकने वाली हंसी। नींद ना सकी, जैसे कोई सपने में चलता है वैसे बेहोशी में ही सवेरे टिकट ले गाड़ी में बैठ गया। पता नहीं कि मैं किधर जा रहा हूं। चेत हुआ जब कुली टुंडला टुंडला चिल्लाए। रघुनाथ चौंका, अच्छा जो हो, अब की दफा फिर उद्योग करूंगा, यूं कहकर हृदय को दृढ़ करके घर पहुंचा। होली का दिन था, जैसे कोजागार पूर्णिमा को चोरों के लिए घर के दरवाजे खुले छोड़कर हिंदू सोते हैं, वैसे माता पिता टल गए थे। माँ पकवान पका रही थी और बाप, खैर बाप भी कहीं थे। रघुनाथ भीतर पहुंचा,
भगवंती सिर पर हाथ धरे हुए कोने में बैठी थी। उसे देखते ही खड़ी हो गई। वह दरवाजे की तरफ चढ़ने न पाई थी कि रघुनाथ बोला, ठहरो ठहरो, बाहर मत जाना। वह ठहर गई। घूंघट खींच कर कोने की पीढ़ी के बाण को देखने लगी। कहो, कैसी हो? आज तुमसे बात करनी है। चुप। प्रसन्न रहती हो? कभी मेरी भी याद करती हो? चुप। मेरी छुट्टियां 3 ही दिन की हैं। चुप। तुम्हें मेरी कसम है, चुप मत रहो। कुछ बोलो तो, जवाब दो। पहले की तरह ताने ही से बोलो। मेरी शपथ है, सुनती हो? मेरे कानों में पानी थोड़े ही भर गया है। हाँ, बस यूं ठीक है। कुछ ही कहो, पर कहती जाओ। अच्छा होता यदि तुम मुझे उस दिन न निकालती और डूब जाने देती। अच्छा होता यदि मेरा कांटा न निकालते और पैर गलकर मैं मर जाती। तुमने कहा था कि कोई एहसान थोड़ा है, कांटा गड़ जाए तो मैं भी निकाल दूंगी। हाँ, निकाल दूंगी। कैसे? उसी कांटे से। उसी कांटे से? वह है कहाँ? मेरे पास। क्यों, कब से? जब से पतलून ट्रंक में बंद होकर आगरे गई तब से। ना मालूम पीढ़ी का बाण कैसा अच्छा था। निगाहें उस पर से हटी नहीं, शायद ताप गिनी जा रही थी। अनाड़ी की बात की नकल करती हो? गिनती पूरी हो गई, अब अपने नखों की बारी आई। क्यों, फिर चुप? हां, नखों पर से ध्यान नहीं हटा। रघुनाथ ने छत की ओर देखकर कहा, अनाड़ियों की पीठ नख आजमाने के लिए अच्छी होती है। नख छिपा लिए गए। कांटा निकालोगी? हाँ। कांटा छत में थोड़े ही है, तो कहाँ है? मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे लल्लो पत्तो करना नहीं आता, साफ कहना जानता हूं। सुनो। यह कहकर रघुनाथ बढ़ा और उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। उसने हाथ ना हटाए। उस समय मैं जंगली था, वहशी था, अधूरा था। मनुष्य जब तक स्त्री की परछाई नहीं पा लेता तब तक पूरा नहीं होता। मेरे बुद्धूपन को क्षमा करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रेम का एक भयंकर कांटा गड़ गया है। जिस दिन तुम्हें पहले पहल देखा था उस दिन से वह गड़ रहा है और अब तक गड़ा जा रहा है। तुम्हारे प्रेम की दृष्टि से मेरा यह शूल हटेगा। घूंघट के भीतर जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां कुछ गीलापन दिखा। देखो, मैं तुम्हारे प्रेम के बिना नहीं जी सकता। मेरा उस दिन का रूखापन और जंगलीपन भूल जाओ। तुम मेरी प्राण हो, मेरा कांटा निकाल दो। रघुनाथ ने एक हाथ उसकी कमर पर डालकर उसे अपनी ओर खींचना चाहा। मालूम पड़ा कि नदी के किनारे का किला नींव के गल जाने से धीरे धीरे धंस रहा है। भागवंती का बलवान शरीर निस्सार होकर रघुनाथ के कंधे पर झूल गया। कंधा आंसुओं से गीला हो गया। मेरा कसूर, मेरा गवारपन, मैं उजड, मेरा अपराध, मेरा पाप, मैंने क्या कह डा गिगी बन गई। उसका मुंह बंद करने का एक उपाय था, रघुनाथ ने वही किया। ये कहानी बस इतनी ही। आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की एक नटखट प्रेम कहानी, बुद्धू का कांटा। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।